कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अब चिंता बढ़ा दी है। प्रतिदिन कोविड 19 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 72,330 नए मामले सामने आए हैं और 459 लोगों की मौत हुई है। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 5,85,000 को पार कर गया है। कोरोना में अब तक करीब 1,63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीकी और ब्राज़ील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें एकदम से 327 नए मामले सामने आए, जो अब तक के सबसे ज़्यादा मामले हैं, जो डराने वालों खबरें थी। वहीं शुक्रवार को 110, शनिवार को 123, रविवार को 141 और सोमवार को 156, मंगलवार को 100 नए मामले सामने आए थे, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 1,470 हो गई है। वहीं कल बुधवार को 180 नए मामले सामने आए थे और आज यानी कि गुरुवार को 50 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 1,650 से 1,700 हो गई है। जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 50 और 100 से कम नहीं आ रहे, जो डराने वाली खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज गुरुवार को ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए यात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पे अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।